सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मेरी ओर से हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय गणित कक्षा नौवीं। ये हमारे इस नवीन सत्र की आज ये दूसरी कक्षा है। आज हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपको दिए गए गृह कार्य के प्रश्नों के हल पर। फिर हम पढ़ेंगे संख्याओं के जोड़ संबंधी इबारती प्रश्न। फिर हम पढ़ेंगे एक अंक की संख्या में से एक अंक की संख्या को घटाना। और अंत में हम चर्चा करेंगे आपको दिए जाने वाले गृह कार्य के प्रश्नों पर। तो पिछली कक्षा में जो आपको गृह कार्य दिया गया था उसमें पहला प्रश्न दिया गया था कि 732 को शब्दों में लिखिए। तो 732 को हम इस प्रकार से शब्दों में लिखेंगे। यदि आपने अपना गृह कार्य किया है तो आप अपने प्रश्न के उत्तर का मिलान इससे कर लीजिए। 58 में 8 का स्थानीय मान लिखिए दूसरा प्रश्न है। तो 58 में 8 का स्थानीय मान 8 होगा। इस प्रश्न के उत्तर का भी अपनी काफी से मिलान कर लीजिए कि आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है। 407 में शून्य का स्थानीय मान लिखिए। तो 407 में शून्य का स्थानीय मान 0 होगा। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जिस भी अंक का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना होता है हम देखते हैं कि वह अंक किस स्थान पर है। तो यदि हम यहाँ पर शून्य को देखें तो शून्य दाई के स्थान पर है, अतः हम शून्य का गुना 10 से करेंगे और गुना करने पर हमें मिलेगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि 0 का स्थानीय मान 0 होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर का भी आप मिलान कर लीजिए। आइए अब हम गृह कार्य के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करें। प्रश्न है, रीटा ने अपने जन्मदिन पर 375 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। यदि कोई विद्यार्थी इस प्रश्न को पढ़ना चाहे तो वह इस प्रश्न को पढ़े। रीटा ने अपने जन्मदिन पर 375 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। आइए अब हम प्रश्न से संबंधित कुछ जानकारी नोट कर लें। तो पहली जानकारी हमारे पास है कि रेखा को दी गई बर्फी 375 ग्राम, रुचि को दी गई बर्फी 225 ग्राम। हमें ज्ञात करना है रीटा द्वारा बांटी गई बर्फियां कुल कितने ग्राम हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों संख्या तीन तीन अंकों वाली हैं, अतः हम इकाई लेके चलेंगे, दहाई लेके चलेंगे और सैकड़ा लेके चलेंगे। ये बताइए कि हम 375 में 3 को कहाँ लिखेंगे? सैकड़े के स्थान पर। 7 को कहाँ लिखेंगे? दहाई के स्थान पर। 5 को कहाँ लिखेंगे? इकाई के स्थान पर। आइए हम यहाँ पर 375 को लिख दें उनके निर्धारित स्थान पर। 225 में 2 को कहाँ लिखेंगे? सैकड़े के स्थान पर। इस 2 को दहाई के स्थान पर और इस 5 को इकाई के स्थान पर। तो आइए हमने 225 को भी लिख दिया। क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है इसलिए हमने प्लस साइन लगा दिया, एक हम लाइन खींच देंगे। अब बताइए इसके आगे हम क्या करेंगे? इकाई के अंक को इकाई के अंकों से जोड़ेंगे। गुड, कितना जोड़ आएगा? 10। 10 में हम 0 को कहाँ लिखेंगे? इकाई के स्थान पर। 1 को कहाँ लिखेंगे? दहाई के स्थान पर। अब इसके बाद क्या करेंगे? दहाई के अंकों को दहाई के अंकों से जोड़ेंगे। कितना आएगा जोड़? 10 आएगा। 10 में हम 0 को कहाँ लिखेंगे? दहाई के स्थान पर। 1 को कहाँ लिखेंगे? सैकड़े के स्थान पर। अब किसको जोड़ेंगे हम? सैकड़े के अंकों को सैकड़े के अंकों से जोड़ेंगे। कितना आएगा जोड़? 6। तो इस प्रकार से हमने देखा कि
हमें जोड़ मिल गया 600। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रीटा ने कुल अपने जन्मदिन पर 600 ग्राम बर्फी रेखा और रुचि को बांटी। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने ये सीख लिया कि 3 अंकों वाली संख्या में हम 3 अंकों वाली संख्या को किस प्रकार से जोड़ते हैं। आइए अब हम ग्रह कार्य के प्रश्न क्रमांक 5 पर चर्चा करें। तो मैं किसी विद्यार्थी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न को पढ़े। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े होंगे। गुड। तो आइए अब हम प्रश्न से संबंधित कुछ जानकारी नोट कर लें। सूरज द्वारा पढ़े गए किताब के पन्ने 265 पन्ने, उसकी बहन के द्वारा पढ़े गए पन्ने 150 पन्ने। हमें ये पता लगाना है कि दोनों ने मिलकर किताब के कितने पन्ने पढ़ लिए होंगे। तो चूंकि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं 3-3 अंकों वाली है, अतः हम इकाई का अंक लेके चलेंगे, दहाई का अंक लेके चलेंगे और सैकड़े का। बताइए मुझे कि 265 को हम किस प्रकार से लिखेंगे। 2 को हम सैकड़े के स्थान पर लिखेंगे, 6 को हम दहाई के स्थान पर लिखेंगे और 5 को हम इकाई के स्थान पर लिखेंगे। गुड। तो आइए हमने 265 को लिख दिया। अब हम 150 को लिखेंगे। तो 150 को किस प्रकार से लिखेंगे। 1 को हम सैकड़े के स्थान पर लिखेंगे, 5 को हम दहाई के स्थान पर लिखेंगे और 0 को हम इकाई के स्थान पर लिखेंगे। तो आइए हमने 150 को भी लिख दिया। चूंकि हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे, नीचे एक हम लाइन खींच देंगे। आइए हम इसका जोड़ करते हैं। तो जोड़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ना होगा। कितना जोड़ आएगा। 5 आएगा। 5 को हम कहाँ लिखेंगे। इकाई के स्थान पर। गुड। तो ये हमने 5 को यहाँ पर इकाई के स्थान पर लिख दिया। अब क्या करेंगे इसके आगे। दहाई के अंकों को दहाई के अंकों से जोड़ेंगे। कितना आएगा जोड़। 11 आएगा। 11 में हम 1 को कहाँ लिखेंगे। दहाई के स्थान पर। और 1 को सैकड़े के स्थान पर। इसके बाद क्या करेंगे। हम सैकड़े के अंकों को सैकड़े के अंकों से जोड़ेंगे। कितना आएगा जोड़। 4 आएगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि यदि हम 265 में 150 को जोड़ते हैं तो हमें जोड़ मिलेगा 415। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर के उस किताब के 415 पन्ने पढ़ लिए होंगे। प्रश्न नंबर 6। सात हजार 356 व 7385 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हम दो दी हुई संख्याओं में बड़ी संख्या का पता हम कैसे लगाते हैं। तो आइए हम इस बात को यहाँ पर पुनः समझ लें। सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को नोट करेंगे, 7356 और 7385 को। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं 4 अंकों वाली है। तो हमें जब भी बड़ी संख्या की पहचान करनी है तो हम शुरुआत करेंगे हजार के स्थान से। हजार के स्थान पर यदि आप देख रहे हैं तो दोनों जगह 7 लिखा हुआ है, अतः हमें सैकड़े के अंक को देखना पड़ेगा। तो आइए हम सैकड़े के अंक को देख लें। तो सैकड़े के अंक पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं में सैकड़े के अंक के स्थान पर 3 लिखा हुआ है। तो अब हमें दहाई के अंक का सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर दहाई के अंक को देखें तो दहाई के अंक यहाँ पर 5 है, दहाई का अंक यहाँ पर 8 है। हमें बड़ी संख्या की पहचान करनी है, अतः हमें देखना होगा कि किस संख्या में दहाई का अंक सबसे बड़ा है। तो इन दोनों संख्याओं में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ दहाई का अंक 5 है, यहाँ पर दहाई का अंक 8 है, अतः हमारी ये संख्या भी जो है बड़ी संख्या के रास्ते से हट जाएगी। तो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 7385। तो 7385 कह रही है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, या इन दोनों में मैं बड़ी हूँ। तो ये इस प्रकार से आपने इस प्रश्न के माध्यम से ग्रह कार्य में ये सीखा कि हम 4 अंकों वाली संख्याओं में बड़ी संख्या की पहचान किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमारी आज
पिछली कक्षा में जो गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। आज हम पुनः जोड़ संबंधी कुछ इबारती प्रश्नों पर पुनः चर्चा करेंगे ताकि आप जोड़ करने की क्रिया जो है वो बहुत आसानी के साथ समझ जाएं। आपको जोड़ करने में योग करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। आइए अब हम एक इबारती प्रश्न पर चर्चा करें। इबारती प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 145 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला, तो बताए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यह हमारे पास में एक सड़क जिस पर सोनू सुबह लंबी सैर करता है, और यदि हम यहाँ पर यह देखें तो यह हमारे पास तीन स्थान, ए स्थान, बी स्थान और सी स्थान। ए स्थान से बी स्थान तक सोनू ने साइकिल से दूरी तय की है और बी से सी स्थान तक पैदल चल करके उसने दूरी तय की है। तो आइए हम देखें कि सोनू अपनी साइकिल पर सवार होकर के ए से बी तक 145 किलोमीटर की दूरी किस प्रकार से तय कर रहा है। ये उसके द्वारा स्थान ए से स्थान बी तक 145 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा तय की कर ली गई। अब वह साइकिल को छोड़ देता है और यहाँ से वो पैदल चलना स्टार्ट करता है और बी से सी तक की दूरी अर्थात 15 किलोमीटर की दूरी वह पैदल तय करता है। तो ये वो पैदल यहाँ पर सी स्थान पर पहुंच गया। हमें सोनू द्वारा कुल तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, इसको हम समझने का प्रयास करें कि सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की है। आइए अब हम उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न था, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वहां 145 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला, तो बताए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। आइए हम प्रश्न से संबंधित जानकारी नोट कर लें। तो साइकिल से तय की गई दूरी 145 किलोमीटर, पैदल तय की गई दूरी 15 किलोमीटर। हमें ये पता लगाना है कि सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। क्योंकि यहाँ पर हम तीन अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या को जोड़ रहे हैं, अतः हम इकाई, दहाई और सैकड़े को लेकर के चलेंगे। तो आइए, मैंने यहाँ पर इकाई को लिख दिया, दहाई को लिख दिया और सैकड़े को लिख दिया। यदि मैं 145 की बात करूं तो 5 इकाई का अंक है, 4 दहाई का अंक है और 1 सैकड़े का अंक है। 15 की यदि मैं बात करूं तो 5 इकाई का अंक है और 1 दहाई का अंक है। यहाँ पर सैकड़े का अंक नहीं है क्योंकि हम तीन अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या को जोड़ रहे हैं, अतः हम यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर शून्य को लेकर के चलेंगे। तो आइए हम 145 को लिख दें। तो हमने सैकड़े के नीचे 1 लिख दिया, दहाई के नीचे हमने 4 लिख दिया, इकाई के नीचे हमने 5 लिख दिया। आइए हम यहाँ पर 15 को नोट करें। तो 15 को हमने 5 को नोट कर दिया इकाई के नीचे, 1 को हमने नोट कर दिया दहाई के नीचे, क्योंकि यहाँ पर सैकड़े का अंक नहीं था, अतः हम यहाँ लिख देंगे 0। हमें कुल दूरी ज्ञात करना है, अतः हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस चिन्ह। आइए हम ये देखें कि हम इकाई से इकाइयों को जोड़ेंगे तो हमें जोड़ क्या मिलेगा। 5 इकाई में यदि हम 5 इकाई को जोड़ेंगे तो हमें जोड़ मिलेगा 10 इकाई। 10 इकाई में का अर्थ आप जानते हो कि 10 इकाई यानी 1 दहाई होता है, अतः यहाँ पर इकाई के स्थान पर हम शून्य लिखेंगे और 1 को हम लिखेंगे दहाई के स्थान पर। अब हम दहाई के अंक से दहाई के अंकों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा जोड़ इसका 4 और 1 5 और 1 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। अब हम जोड़ेंगे सैकड़े के अंक से सैकड़े के अंक को, तो 1 से हम 0 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1। इस प्रकार से हमने ये देखा कि सोनू द्वारा तय की गई कुल दूरी 160 किलोमीटर है। यदि आप दो अंकों की संख्या को पढ़ सकते हैं तो तीन अंकों की संख्या को भी पढ़ना बड़ा आसान है। आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए बड़े आराम के साथ,
160। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोनू द्वारा तय की गई कुल दूरी 160 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि हम तीन अंकों वाली संख्या में दो अंकों वाली संख्या का जोड़ किस प्रकार से लगाते हैं। हमें पुनः यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम जब संख्याओं को लिखें तो इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखें, दहाई के नीचे हम दहाई का अंक लिखें, सैकड़े के नीचे हम सैकड़े का अंक लिखें, ताकि प्रश्न को हल करने में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रह जाएगी। आइए अब हम गतिविधि के माध्यम से एक अंक की संख्या में से एक अंक की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं उस पर हम चर्चा करें। तो यह है हमारे पास में पहली गिलास, यह है हमारे पास दूसरी गिलास। इस पहली गिलास में मैंने कुछ हरी गेंदें ले ली हैं। यह ले ली मैंने पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, चौथी गेंद, पांचवी गेंद, छठवीं गेंद और सातवीं गेंद, और ये हमने आखिरी में ले ली यहां पर आठवीं गेंद। तो इस पहली गिलास में कुल हरी गेंद है हमारे पास में आठ। आइए हम इस आठ को यहां पर नोट कर दें। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि इस पहली गिलास से कुछ गेंदों को दूसरी गिलास में हम भेज रहे हैं। तो आइए हम देख रहे हैं कि पहली गिलास से हम दूसरी गिलास में कितनी गेंदों को भेज रहे हैं। ये हमने भेज दिया यहाँ पर आठ नंबर की गेंद को, सात नंबर की गेंद को, छह नंबर की गेंद को भेज दिया हमने। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि हमने आठ गेंदों में से तीन गेंदों को दूसरी गिलास में भेज दिया, अर्थात हमने यहाँ पर तीन गेंदों को कम कर दिया। तो आइए उसको हम गणित की भाषा में कैसा लिखेंगे उसको हम समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आएगा माइनस चिन्ह, क्योंकि हमने तीन गेंदों को यहाँ से कम कर दिया है। माइनस के बाद हम लिखेंगे तीन, बराबर का चिन्ह लगाएंगे उसके बाद, और पहली गिलास में जो गेंद बची है उसकी संख्या को हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि हमने एक अंक वाली संख्या में से एक अंक वाली संख्या को किस प्रकार से घटाया। आपको यहाँ पर विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि हम बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आएगा ऋण चिन्ह, उसके बाद आएगी छोटी संख्या, उसके बाद आएगा बराबर का चिन्ह, और उसके बाद जो भी हमारा आंसर है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। घटाने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर आपने इस गतिविधि के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि एक अंक की संख्या में से हम एक अंक की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। यदि आप चाहे तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। आपके पास पांच गेंदें बची है, तीन गेंदें आपने यहाँ पर दूसरी गिलास में वापस कर दी थी। यदि इन दोनों गिलास की गेंदों को यदि आप जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर यदि आपको आठ मिल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने घटाने की क्रिया जो है वो बिल्कुल सही की है। मैं आपको पुनः बता दूं कि इस गतिविधि के माध्यम से हमने एक अंक की संख्या में से एक अंक की संख्या को हम किस प्रकार से घटाते हैं इस पर हमने चर्चा की। आइए अब हम एक दूसरे उदाहरण की मदद से इस बात को समझने का प्रयास करें कि एक अंक की संख्या में से एक अंक की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। हमने इसके पहले जो गतिविधि की है उसी प्रकार की गतिविधि हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर दो गिलास ले लें। ये है हमारे पास पहली गिलास, ये है हमारे पास दूसरी गिलास। इस पहली गिलास में हमने गेंदे ली है आठ। तो ये इस प्रकार से देखा आपने कि हमने इस पहली गिलास के अंदर कुल आठ गेंदे रख दी। अब इसमें से हम कुछ गेंदों को दूसरी गिलास में हम वापस कर रहे हैं। पहली गिलास की गेंदों की संख्या को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, आठ लिख दिया है इसको। आइए हम देखें कि कितनी गेंदों को हम यहाँ से दूसरी गेंद में दूसरी गिलास में वापस कर रहे हैं। तो आइए हमने देख लिया कि आठ नंबर की गेंद को भेज दिया हमने, सात नंबर की गेंद को भेज दिया, छह नंबर की गेंद को भेज दिया, और हमने ये पांच नंबर की गेंद को भेज दिया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहली गिलास में कुल आठ गेंदें थी, उसमें से हमने चार गेंदें दूसरी गिलास में भेज दी। तो हम इसे गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे इस पर हम चर्चा करें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण चिन्ह, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि जितनी गेंदें हमने यहाँ से कम की है
अर्थात जितनी गेंदें हमने दूसरी गिलास में भेजी है उन गेंदों को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम चार, उसके बाद हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह और यहाँ पर हम लिखेंगे बची हुई गेंदे। तो यहाँ पर बची हुई गेंदे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि गेंदे है यहाँ पर चार। तो ये इस प्रकार से आपने यहाँ पर एक अंक की संख्या में से एक अंक की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं इसको समझने का प्रयास किया। ये हम यहाँ पर घटाने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं ये हमारी क्षैतिज विधि कहलाती है, क्योंकि इसको हमने क्षैतिज रूप में लिखा है, आड़े रूप में लिखा है, इसलिए इसको हम कहेंगे यहाँ पर कि ये घटाने की हमारी क्षैतिज विधि है। क्षैतिज विधि में हम सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद ऋण का चिन्ह आएगा, उसके बाद छोटी संख्या आएगी, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे और अंत में जो बची हुई संख्या है उसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो ये आपने यहाँ पर इस गतिविधि के माध्यम से भी एक अंक की संख्या में से एक अंक की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं इसको आपने यहाँ पर गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आइए अब हम एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में आपको यहाँ तीन प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न आपको दिखाया जाएगा गतिविधि से संबंधित, हल अर्थात उसका उत्तर आपको यहाँ पर सोच करके रखना है और जो मैं उत्तर बताऊंगा उससे आपको मिलान करना है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने प्रश्न का सही सही हल कर लिया है। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक एक को देखें। इसमें हम कुछ गेंदे रख रहे हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि कुल पांच हरी गेंदे हैं और तीन नीली गेंदे हैं। यदि इन दोनों रंग की गेंद को मैं जोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर धन के चिन्ह का उपयोग करूंगा और आप अब सोच लीजिए कि आपका हल यहाँ पर क्या होगा। मैं जो हल आपको दिखा रहा हूँ यदि वो आपने सोचा है तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए मैं अब इसका आंसर बता रहा हूं। यहाँ पर है गेंदे हमारे पास में आठ। यदि हम इन गेंदों को गिने तो एक दो तीन चार पांच, यह है हमारे पास में हरी गेंदे और तीन है हमारे पास में नीली गेंदे। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये दोनों गेंदों का योग जो है वो आठ गेंदे है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक दो में देखें। यहाँ पर भी हमने गेंदे ही लिए, तो ये ले ली मैंने यहाँ पर पांच गेंद, उसके बाद ले ली मैंने ये तीन गेंद। तो ये पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, चौथी गेंद, पांचवी और ये है हमारे पास में तीन गेंद, एक गेंद, दो गेंद और ये तीन गेंद। यदि हम यहाँ यदि ऋण चिन्ह लगा हुआ है यदि इसको हम समझने का प्रयास करें तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर दो गेंदे, क्योंकि हमने पांच गेंद में से तीन गेंद कम कर दी है अतः गेंदों की संख्या यहाँ पर बचेगी दो। यदि हम प्रश्न नंबर तीन को देखें तो प्रश्न नंबर तीन में गेंदों की संख्या हम लेकर के चल रहे हैं पांच पांच और दोनों के बीच हमने साइन लगा दिया यहाँ पर ऋण का। यदि हम इसका आंसर ढूंढना चाहें तो आपने आंसर यदि मैं जो दिखा रहा हूँ वो सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आइए इसका आंसर हमें मिलेगा जीरो, क्योंकि हमारे पास पांच गेंदे थी और पांचों गेंदे हमने किसी को दे दी तो गेंदों की संख्या हमारे पास बचेगी जीरो। ये छोटा सा टेस्ट आपके लिए आज हमने आयोजित किया था।